नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है स्पेशली वर्कर भाइयों के लिए है। वर्कर भाई जो अभी दुबई में, शारजा में, अजमान में, फुजैरा में, रासल खेमा में, जितने भी स्टेट यूएई में हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन का यानी बिल्डिंग लाइन में अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ। जो लोग भी अभी धूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। खबर को पूरा देखें, और अगर आप इस लाइन में काम नहीं करते, कोई जानने वाला या आपका जानने वाला इस लाइन में काम करता है, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपनियों के लिए आदेश जारी किया गया है, निश्चित समय से ज़्यादा अगर कोई काम कंपनी करवाती है तो उसके ऊपर लाखों का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संयुक्त अरब अमीरात में गर्मी के दौरान, अभी आपको पता है गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है, अधिक काम कराने वालों पर कार्यवाही दी जाएगी। एक निश्चित समय से ज़्यादा अगर कोई आपसे काम कराता है तो उसके ऊपर लाखों का जुर्माना हो सकता है। दोपहर के टाइम, जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए खासकर उसी के लिए ये कानून आया है। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो मोहरे हैं, उन्होंने गर्मी के दिनों में दोपहर में काम करने के लिए एक निर्देश की घोषणा करी थी, पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं ये। और मंत्रालय ने यह भी कहा था कि 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर में जो वर्कर हैं उनसे काम नहीं लिया जाएगा, नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमराइजेशन के बयान के अनुसार कामगारों यानी जो वर्कर हैं उनको डायरेक्ट धूप में काम करने का कोई भी अलाउ नहीं था। वो लोग डायरेक्ट धूप में काम नहीं कर सकते, खास कर करके दोपहर 12:30 से 3 के बीच में, जहां जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय वो लोग काम नहीं कर सकते। तो मोहरे के उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। जो मोहरे यहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि अगर आपका मालिक या एम्प्लॉयर, जो भी कंपनी का जो भी स्पोक पर्सन होगा, जो कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5,000 दिरहम तक जुर्माना हो सकता है आरोपी पर, जो भी आरोपी होगा, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि आपको 12:30 से 3 के बीच में कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो कि बाहर धूप में कराया जाए, ना ही आपसे कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे करवा सकता है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने खुद दे दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएई गवर्नमेंट वर्करों के साथ रहती है और उनके बारे में सोचती है, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहेंगे। आप लोग भी एक अच्छा सा नीचे से कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।